गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, दोपहर ही हो रही है, नीचे बैठ जाओ। थैंक यू बच्चों। अरे ये छोड़ो, ये बताओ क्या पढ़ाने वाले हो आज? आज मैं तुम्हें विटामिन्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस किस चीज में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। अरे तुम क्या बताओगे सर, ये तो हमें भी पता है किस में विटामिन ज्यादा होता है। अच्छा बताइए जरा। अरे सर, भैंस और गाय के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन होता है। शाबाश बेटा, बिल्कुल गलत गलत गलत। अरे तो सही तुम बता दो फिर। बेटा सूत्रों के अनुसार विटामिन सबसे ज्यादा मोबाइल में पाया जाता है। मोबाइल में? ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? बेटा क्योंकि मोबाइल आज के टाइम में वो चीज है कि अगर एक घंटा भी इस्तेमाल ना करो तो कमजोरी सी महसूस होने लगती है। अरे सर ये तो आपने दिल की बात कह दी। अरे वाह मास्टर जी, नासी मार दिया पूरा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर इतनी देर से हम सारे एक ही सवाल के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारा ही इंतजार था। अगर इजाजत हो तो पूछ लूं? अरे बेटा इसमें इजाजत की क्या जरूरत पड़ गई, हिम्मत है तो पूछ के दिखा। पूछ के दिखाऊं? लो तो सुनो फिर। तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, अब बोलो कितने तीतर? बेटा एक परात भर के बिरयानी। परात भर के बिरयानी? अरे तीतर कहाँ गए? तीतर तो बिरयानी में है, परात के अंदर। बेटा टोपे, इससे ज्यादा फास्ट लौंडा दिखा दो तुम्हारे संडे की छुट्टी। मेरे जैसा लौंडा मिले ना मिले, संडे की छुट्टी रहेगी वो डिसाइड करूंगा मैं इस सवाल के बाद। कौन से सवाल के बाद? सवाल कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सर बीवी। बीवी कैसे भाई? अरे सर पूरे दिन में कम से कम 6-7 बार बनाना पड़ता है। अरे मार बेटा, ताली दे ताली दे। टोपे खैर समझ तो बेटा तू गया ही होगा। अजी बिल्कुल। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अगर आपकी इजाजत हो बेटा टोपे तो कुछ पूछूं? हाँ सर इरशाद। बेटा मैं इरशाद नहीं, तुम्हारा मास्टर हूँ। पूछ भी लो। बेटा मैं ये जानना चाहता था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु? ठोकर है। ठोकर है? वो कैसे भाई? हाँ सर ठोकर है। खाते जाओ सीखते जाओ, खाते जाओ सीखते जाओ। बेटा टोपे एक बात बता, एक आम के पेड़ पे 10 अनार लग रहे हैं और तूने 7 अमरूद तोड़ लिए, तो तेरे पे कितने अंगूर बचे? सर मेरे पास 9 हाथी बचे। अरे वाह बेटा, तुझे कैसे पता कि 20 ऊँट ही बचेंगे? सर मुझे इसलिए पता है क्योंकि आज मैंने लंच में गोभी की सब्जी खाई है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताओ टोपे? सर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोज ब्रश करना चाहिए वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही कहा बेटा, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। अरे शर्मा जी जल्दी से पहुंचा दो पेमेंट यार, मेरे को लड़कों को पैसे देने हैं, जल्दी पहुंचाओ। बेटा टोपे अब तो बहुत नोट छप रहे हैं, बहुत नोट छप रहे हैं, थोड़ी हमारी भी फीस जमा कर दे। अरे सर कहाँ नोट छप रहे हैं, मामूली से व्यापारी आदमी है, हम तो कोई पैसे ही ना दे रहा। बात है तो बड़ी बड़ी पेमेंटों में कर रहा अभी है। अरे सर तुम्हें पता ना है व्यापारियों की कैसी जिंदगी हुई पड़ी है? ना पता, तू बता। अरे सर व्यापारियों की जिंदगी इस मुकाम पर है, अगर मैं पहाड़ों की हसीन वादियों में जाकर भी पेमेंट के लिए पुकारूं ना तो एक ही आवाज आएगी। एक ही आवाज आएगी? कौन सी भाई? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते। अरे भूरे बेटा तेरे अम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे अम्मी पापा दिन में 2-3 मरतबा बेइज्जती करते हैं मेरी। मुझे गर्व है तेरे माता पिता पे। तेरे दादाजी कहाँ है भूरे? सर मेरे दादाजी तो चल बसे 10 दिन पहले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या हुआ था भूरे उन्हें? सर टीवी पे देख के योगा करते थे, करते करते चले गए। अबे बेटा भूरे जनता को अभी भी समझ नहीं आ रही तेरी बात, थोड़ा खुल के समझा खुल के। सर खुल के क्या बताऊं, योगा गुरु ने कहा सांस को अंदर ले लो तब तक मैं ना कहूं छोड़ना मत। अच्छा तो फिर क्या हुआ? सर फिर क्या होना था, तुरंत लाइट चली गई। मेरे दादा इतने वफादार निकले कि उन्होंने सांस ही नहीं छोड़ी।
बेटा बहुत ही मुख्य चैप्टर के बारे में बात करूंगा, शोर कोई नहीं करेगा। उस चैप्टर का नाम है हाउ टू डू प्रपोज। तो कोई बताएगा किसी ने अपनी लाइफ में किसी को प्रपोज किया? हमें जरूरत ना प्रपोज करने की, और मैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे लौंडिया खिंची चली आती है खिंची। पूरे जैसा कि आपने देख लिया, इन दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तुम ही बताओ बेटा। सर मैं अपनी बात करूं तो अभी हाल ही में एक लड़की को प्रपोज मारा है, मगर सर उस लड़की ने जो रैप्टे खींचे मेरे बातों के, बस सुपर सा भर दिया होगा तेरा। नहीं ऐसा क्या कह दिया सर तूने उससे? अरे सर मैंने उसको ये कह दिया कि तुम मेरे सपनों में, जज्बातों में, ख्यालों में रहती हो। बेटा फिर तो तेरी उससे सेटिंग हो ही गई होगी है? अरे सर क्या खाक सेटिंग हो गई होगी, वो तो कह के चली गई। भैया तुम्हारा किसी ने बेवकूफ बनाया, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। कोई नहीं चला। बेटा भूरे एक बात बताओ कि माँ का दर्जा क्या होता है? सर माँ का दर्जा, माँ वो जन्नत है सर जिसके दूध का कर्ज हम में से कोई अदा नहीं कर सकता कभी। समझ रहा हूँ भूरे, समझ रहा हूँ, पर अगर थोड़ा विस्तार में समझाएगा तो और अच्छे से समझूंगा। विस्तार में सुनना चाहते हो तो लो सुनो। खुदा की हर खुशी हर गम को कबूल करूँ अगर खुदा मेरी एक दुआ कबूल करे। क्या बात है। खुदा की हर खुशी हर गम को कबूल करूँ, खुदा मेरी एक दुआ कबूल करे, मेरे मरने के बाद जो मेरे कब्र की मिट्टी हो वो मेरे माँ बाप की पैरों की धूल हो सर। वाह वाह भूरे वाह। बेटा भूरे खड़े हो जाओ। बेटा इस दुनिया में सबसे ज्यादा तो अमीर और सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन है? सर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर तो सब्जी वाला और सबसे ज्यादा गरीब मॉल वाला है। वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन भूरे। ऐसे ऐसा क्यों कि सब्जी वाला अमीर और मॉल वाला गरीब? सर सब्जी वाला अमीर होने के बाद भी इतना गरीब होता है यार। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। रिटेक मार, रिटेक मार। रोल कैमरा एक्शन। सर सब्जी वाला गरीब होने के बाद भी इतना अमीर होता है कि उससे अगर 10 रुपए की सब्जी लेने जाओ तो वो धनिया भी आपको फ्री देता है। और बेटा मॉल वाले के लिए किस तरह की टिप्पणी रेडी करी है तूने? और सर अगर मॉल वाले से आप कोई भी चीज लेने जाओगे ना तो वो आपसे कैरी बैग के भी पैसे ले लेता है। हंसना नहीं है। अरे हंसना थोड़ी है इसमें। बहुत बढ़िया पूरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों इतिहास में पहली बार पौवे जी आज खड़े होने वाले हैं। तालियों के साथ इन्हें खड़ा करिए। अरे बेटा खड़ा हो। खड़ा ही तो हूँ सर। ओ सॉरी बेटा, तुम्हारी हाइट से धोखा खा गया मैं। बेटा पौवे बहुत दिन हो गए, आज तो 1 से 10 तक गिनती सुना दे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। बेटा पौवे जहाँ तक मेरा मानना है आपने इसमें 6 को नहीं जोड़ा। ऐसा टीवी ना देखते हो तुम, 6 तो मर गया। मर गया? अरे वो कैसे मरा? अरे सर कल न्यूज में बता रहे थे सड़क हादसे में 6 की मौत। पौवे बेटा ये रही तेरी हाइट और ये रही तेरी सोच। अरे बेटा पौवे दिल आया कभी किसी पे? सर इसका दिल गधी पे आया। अरे फिर तो परी भी क्या चीज है पौवे। तुक्के मत पिड़ाओ, उस पर आया मेरा दिल किसी और पे आया। किस पे आ गया दिल हमें भी बता दो। सर भाभी की बहन पे दिल आया है। ओह शिट, घर की घर में सेटिंग चल रही है पौवे। अरे क्या घंटा सेटिंग चल रही है? अपने भाई की हालत देख करके ना मेरा मन खट्टा हो गया सर। अबे बेटा पौवे हमने सुना तेरी मंगनी हो गई। अरे हाँ सर हुई थी लेकिन मैंने तोड़ दी। तोड़ दी क्यों भाई? अरे सर मैंने उससे पूछा कभी किसी के साथ कोई चक्कर रहा है तो उसने साफ मना कर दिया। अबे तो ये तो अच्छी बात है, और क्या लेगा तू? अरे सर क्या खाक अच्छी बात है, जो किसी और की ना हुई हो मेरी क्या होगी? पाप लगेगा तुझे पापी। अरे बेटा पौवे तेरी गर्लफ्रेंड के कितने भैया हैं? सर एक भी नहीं। एक भी नहीं क्यों भाई? क्योंकि सर साइकिल वो चलाओ जिसका पहिया ना हो। oh, no. और गर्लफ्रेंड वो बटाओ जिसका कोई भैया ना हो। ओ मेरी जान पौवे। अरे पौवे बेटा क्लास खत्म होने के बाद क्या काम करता है? सर चोरी। अरे वाह पौवे वाह, सीधा नर्क जाने का इरादा है मतलब? अरे सर अब ना जा रहा कोई भी नर्क। अच्छा तुझे कैसे पता भाई? सर मेरे दादाजी आए थे सपने में, कह रहे लगे जितने पाप करने कर लो, नरक फुल भरी पड़ी है, हम खुद दीवार पर बैठे। बेटा कौवे, ओ सॉरी पौवे, मुर्गी की टांगे इतनी छोटी क्यों होती हैं? अरे सर अगर मुर्गी की टांगे लंबी होती तो अंडा नीचे गिर के फूट ना जाता।
बेटा पहुए इमेजिन कर, तू जंगल गया। अरे इमेजिन क्या करूं, गया तो वहाँ पिछली बार, भूल गए क्या? अरे पिछली वाली को छोड़, अब की बात कर। इमेजिन कर तू जंगल गया और तेरे सामने शेर आ जाए, तू क्या करेगा फिर? अगर मेरे सामने शेर आ जाए, मैं कुछ नहीं करने का सर, जो करेगा शेर ही करेगा।